ओके सो गुड मॉर्निंग फ्रॉम काठमांडू। उसी होटल में हूँ जहाँ पर मैंने लास्ट वीडियो खत्म करी था। होटल का नाम है जगत और जगह जो ये लोकेशन है ये थमेल है। थमेल जो है इज वन ऑफ द मोस्ट हैपनिंग प्लेस इन काठमांडू। और जैसे फॉरेनर्स वगैरह एक लोकेशन में ज़्यादा प्रेफर करते हैं ना, थमेल वही लोकेशन है। तो यहाँ पर बहुत फॉरेनर्स रहते हैं और गलियाँ बहुत ज़्यादा है। हर सड़क में आपको फुल ऑन मार्केट, रेस्टोरेंट्स, शॉप्स और हाइकिंग और ट्रैकिंग का सामान मिलता है। तो आज की हमारी जो राइड है हम गोइंग टू मनांग। मनांग जो है हाई ऑल्टीट्यूड एरिया है नेपाल का। अभी तक जो इन्फॉर्मेशन मिली है वो यही बता रहे हैं कि रोड बहुत ख़राब है, इनफैक्ट बहुत जगह लैंडस्लाइड भी है। तो मनांग यहाँ से अराउंड 280-290 किलोमीटर है काठमांडू से, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। बट एक दिन में ये सफ़र नहीं हो पाता है बिकॉज रोड कंडीशन बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग है। तो इस वजह से आपको ये जो जर्नी है ये दो पीसेज में करनी होगी। तो बीच में जो गांव पड़ेगा, जो भी जगह जहाँ पर होटल वगैरह होंगे जो कि है, और वहाँ पर मेरा आज मैं रुक जाऊँगा। आई थिंक अराउंड 6 आवर्स की जो राइड है वो करूँगा। तो चलते हैं, बाकी बातें रास्ते में करेंगे। चलो लेट्स। He talks very well. तो पहले अपनी बाइक निकाल लेते हैं। सो होटल से निकल चुका हूँ। इट टुक अ वाइल, थोड़ा सा सामान वामान सेट करने में टाइम लगता है बाइक में। तो नाउ इट्स पास 9:15 और ये थमेल का मार्केट है। अभी तो बिल्कुल ठंडा पड़ा हुआ है पर लेकिन कल त्योहार के टाइम में ओ माय गॉड हैपनिंग हो रखा था बिल्कुल। तो अब हम निकलते हैं अपनी जर्नी के लिए। बस मेरे को रास्ते में अपना एक टायर का कुछ सेटिंग करवानी है, उसका बैरिंग चेंज करा था तो इट्स गेटिंग अ लिटिल हार्ड। तो जैसे ही वो हो जाता है फिर डायरेक्ट निकलता हूँ। चलो लेट्स गो। अभी जर्नी स्टार्ट हुई नहीं है और एक प्रॉब्लम आ गई बहुत बड़ी, अभी बताता हूँ रास्ते में। हुआ ये था कि बैरिंग चेंज कराने के बाद इसमें आवाज़ आ रही थी जहाँ पर मीटर सेंसर है, तो वो थोड़ा शायद वो जैम हो रखा था। तो मैंने रॉयल इनफील्ड इंडिया में कॉल करा, उन्होंने बोला कि इसमें ग्रीस कर देना। तो हमने वो खोला उसका बैरिंग, जब हमने उसका एक्सेल खोला तो अंदर देखा तो जो मेरा रिम है उसका एक एज जो है दोनों तरफ से क्रैक हो रखा है। अब ये क्रैक कब से है ये पता नहीं, क्योंकि उसमें मैंने पूछा था मैकेनिक से, कहता लोड आएगा तो बैरिंग में आएगा अगर वो टूटा तो, और अगर ये टूट गया ना यहाँ पर तो आई डाउट कि नेपाल में कहीं ये बैरिंग छोड़ो ये रिम मिलेगा। तो फिर तो ये मुझे लग रहा है इंडिया से इंपोर्ट कराना पड़ेगा। तो लेट्स सी, विल कंटिन्यू द जर्नी। अब इसको अपने दिमाग से निकाल देते हैं क्योंकि अब ये टूटना है तो रोड में भी टूट ही जाएगा। तो आराम आराम से जाएंगे फिर मनांग। चलो लेट्स गो कंटिन्यू द जर्नी। फेस्टिवल की वजह से मोस्ट ऑफ द पेट्रोल पम्प बंद है। टैंक फुल कर देना भैया। मोस्ट ऑफ द पेट्रोल पम्प बंद है तो हर पेट्रोल पम्प में बहुत भीड़ हो रही है। बड़ी मुश्किल से ये पेट्रोल पम्प मिला है, बिल्कुल खाली है। तो भरा के फुल टैंक निकलते हैं। तो आज त्यौहार के चक्कर में कुछ बेनिफिट्स हुए हैं और कुछ नुकसान भी हुए हैं। अब नुकसान मेरे ये हुए, एक तो पेट्रोल नहीं मिल रहा था, बड़ी मुश्किल से मिला, चलो ठीक है वो भी सही है। दूसरा खाने के लिए कोई अच्छी चीज़ नहीं मिल रही है सही बताऊँ तो, जो कब भूख भी लगी है। बट काठमांडू में थे कैफेज खुले हुए बट जल्दबाजी में मैंने जो है वो वैली को छोड़ दिया। अब यहाँ हाईवे में ज़्यादा कुछ मिल नहीं रहा है खाने को। जो बेनिफिट मिल रहा है मेरे को फेस्टिवल वाले दिन, एक ट्रैफिक नहीं है सीरियसली। तो अभी 160 किलोमीटर्स टू गो टू पोखरा। और मैं आपको बता देता हूँ मेरा प्लान चेंज हो गया, आई एम नॉट गोइंग टू मनांग, आई एम गोइंग टू मुस्तांग फर्स्ट। और उसका रीज़न बस यही है कि ये जो कंडीशन है ना मेरी रिम की, इट्स अ शेयर रिस्क टू टेक सच काइंड ऑफ टूर। बट अब नेपाल आए और ये रोड नहीं मुस्तांग नहीं गए तो फिर क्या किया, फिर मनांग और मुस्तांग। बट
मे भी हो सकता है कि सिर्फ मुस्तांग करके वापस आ जाऊँ काठमांडू, क्योंकि मैंने अपना कैंपिंग का जो सामान है वो मैंने अपने फ्रेंड के यहाँ छोड़ दिया है। आई थिंक थोड़ी देर में एक छोटा सा टाउन आने वाला है मुंगलिंग करके मेरे ख्याल से, तो खाना भी खाऊंगा क्योंकि मॉर्निंग का टाइम भी हो गया है, ऑलमोस्ट 1 बज गया है। यहाँ से अराउंड 90 किलोमीटर्स प्लस, अराउंड 95 किलोमीटर्स टू पोखरा, सो नॉट दैट फार। आज आई थिंक आफ्टर अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम मैं थोड़ा टाइम पे अपनी डेस्टिनेशन में पहुँचूंगा। उसका रीज़न एक ही है, देर इज़ नो अदर रीज़न, मतलब मैं टाइम से निकला ही था, नॉट टू अर्ली, बट सबसे बड़ा फैक्टर यही है कि आज ट्रैफिक नहीं है। तो लंच में डाफे थकाली भांजा घर, और ये है मुंगलिंग का मार्केट। काफ़ी चौड़ी रोड है, काफ़ी सुंदर मार्केट है। तो ये नेपाली थाली है चिकन, इसमें चिकन आता है आपका फ्राई, ग्रेवी सी आती है, राइस, पापड़, दाल, बीन्स, वेजिटेबल, साग, चटनी, मूली का अचार, ये कोई लोकल साग गंदरुक करके कुछ है, और चटनी अगेन एंड सैलेड। सो अमेजिंग सेट है खाने का, और भूख लगी है बहुत ज़्यादा, तो पहले मैं खाता हूँ। तो बढ़िया सा हैवी लंच करने के बाद इट्स टाइम टू गो स्ट्रेट टू पोखरा। 90 किलोमीटर्स दूर है, 2.5 किलोमीटर्स दिखा रहा है, और अच्छी सी वाइब्स आ रही हैं आज, बहुत ब्यूटीफुल सी राइड है, फन राइड, सिंपल राइड एंड एन्जॉयबल राइड। रोड्स भी अच्छी लग रही हैं आज समहाउ, और आई थिंक ये मेरा नया रूट है, पहली बार ले रहा हूँ। अभी तक का जो रूट था वो जाते हुए ही था, अब ये जो रूट है ये नया रूट है, तो लुकिंग गुड। आई थिंक फ्रॉम हियर द माउंटेन्स विल स्टार्ट, सो लेट्स गो एंजॉय द माउंटेन राइड्स। ओके, तो आई थिंक काफ़ी अमेजिंग कॉफ़ी मेरे को यहाँ पर ओरिजिनल हाईवे रेस्टोरेंट में गनाडी में मिली है। एक्चुअली ये मशीन देख के मैं रुक गया था, आई न्यू कि यहाँ पर अच्छी कॉफ़ी होगी, और एक्चुअली में अच्छी कॉफ़ी थी विद द कॉफ़ी बीन्स। और छोटा सा केक खा के नाउ आई एम लीविंग स्ट्रेट टू पोखरा, और पोखरा यहाँ से 40 किलोमीटर्स, विच इज़ अराउंड 1 आवर प्लस, तो अब मैं आपको पोखरा में ही मिलता हूँ, लेट्स गो। ओके गाइज, सो कर देते हैं फिर वेलकम टू पोखरा। शाम के अभी 4:30 बज रहे हैं, और आई थिंक दिस इज़ द परफेक्ट टाइम टू रीच योर डेस्टिनेशन। अभी सनलाइट भी है, बस मेरे को 5-10 मिनट की ड्राइव और है, 5-10 मिनट की राइड और है, और उसके बाद मैं पहुंच जाऊंगा अपनी होटल नियर बाई एरियाज़ में, और वहां पर होटल बुक कर लूँगा। ये सामने पोखरा की लेक है, और ये पूरा इनका पार्टी एरिया एक्चुअली, और यहाँ पर एक होटल है, होटल हिमालयन वेकेशन, तो अंदर जाके पता करता हूँ प्राइस क्या है, उस हिसाब से मैनेज हो पाएगा, लेट्स गो। तो बेसिकली ये जो व्यू है ये आपको यहाँ पोखरा से दिखता है, लेकिन अभी नहीं दिखेगा ऑब्वियसली, अभी शाम हो चुकी है। तो ये मेरा रूम है आज का, 1500 रुपये नेपाली रुपये में ओनली, और यहाँ पर है बालकनी, ये बालकनी है, और ये बालकनी का व्यू है, और सामने आपके है पोखरा की फेमस फेवा ताल, इस द लेक, एंड दिस रोड इज़ कॉल्ड द लेक साइड रोड, और यहाँ बहुत ही ब्यूटीफुल और अमेजिंग होटल्स हैं। तो अच्छी बालकनी है, अच्छा व्यू है, और 6 बज चुके का अंधेरा होने वाला है, और अमेजिंग राइड, लाइक आई सेड, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई टेंशन नहीं, बेसिक राइड थी, बेस्ट पार्ट ट्रैफिक नहीं था, तो बहुत मज़ा आया, ठीक है। और कल का जो प्लान है, जो कि मैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में दिखाऊंगा, कि निकलने से पहले मेरे को चाहिए परमिट, ये है कि सुबह निकलना है 9:30 बजे, जो कि ऑफिस खुलेगा परमिट लेने के लिए, और परमिट लेने के बाद मैं निकल जाऊंगा मुस्तांग,
मुस्तांग यहाँ से 170 या 80 किलोमीटर्स है, ज़्यादा नहीं है, और 30-40 किलोमीटर्स ऑफ रोड टूटा हुआ ट्रैक है ऐसा कि मेरे को बताया गया है। तो आई थिंक इट माइट टेक सम टाइम, बट एनीवेज अगर मैं कल मुस्तांग भी नहीं पहुँच पाया तो बीच में दो तीन ऐसे गाँव हैं जो बहुत सुंदर है जो मेरे को बताया है लोगों ने, तो वहीं पे ही नाइट स्टे कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट एनीवेज नेपाल की राइड बहुत अमेजिंग जा रही है, चैलेंजेस हैं बट इट्स अ डिफरेंट एक्सपीरियंस। विद दैट सेड थैंक यू वेरी मच फॉर द लव एंड द केयर, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन, टिल देन टेक केयर।